मुंबई की सत्र न्यायालय ने सोमवार को सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका को बुधवार तक के लिए टाल दिया। राणा दंपति को अगले दो दिन जेल में ही गुजारने होंगे। राणा दंपति पर दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने जैसे कई संगीन आरोप हैं। नवनीत राणा और उनके पति पर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर राजनीति करने का आरोप है। आरोप है कि राणा दंपति ने यह ऐलान इसलिए किया ताकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की याद दिला सकें। सांसद नवनीत राणा फिलहाल भायखला स्थित महिला जेल में हैं, जबकि उनके विधायक पति को नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल में रखा गया है। राणा दंपति की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अबध पौंडा और रिजवान मर्चेंट ने कोर्ट में पुलिस के दावों के खिलाफ दलील रखी कि उनके क्लाइंट की नफरत फैलाने की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को शांति प्रिय ढंग से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है, साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ने में हिंसा भड़काने की कोई उम्मीद ही नहीं है। पुलिस शिकायत का जिक्र करते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि उनके क्लाइंट मातोश्री के सामने बिना अपने समर्थकों के साथ अकेले ही हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने की बात उनके सपनों में भी नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ जमानत का विरोध कर रही पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि राणा दंपति ने धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि इस बहाने राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़कर राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने की साजिश रची गई। महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा की ओर से शिवसेना नेता संजय राउत और अन्य कार्यकर्ता के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी गई शिकायत के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है और इसकी जांच करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की शिकायतों के बारे में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को एक चिट्ठी लिखी। चूंकि ये मामला मुंबई के खार से संबंधित है, इसलिए नवनीत रवि राणा की शिकायत की जांच के लिए ये मामला आपको भेजा जा रहा है और हम भी अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, कृपया इस पर ध्यान दें। लेकिन फिलहाल इस चिट्ठी का जवाब मुंबई पुलिस ने क्या दिया है ये सामने नहीं आया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।